हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप में यूज होने वाले इंपेलर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही और कुछ पार्ट्स है जिसका डिटेल्स हम लोग जानेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। एक्चुअल में पंप में तीन टाइप के इंपेलर यूज होते हैं, मेरे पास अभी दो है, नहीं तो तीन टाइप के इंपेलर यूज होते हैं, एक ओपन इंपेलर, एक सेमी ओपन इंपेलर और एक क्लोज्ड इंपेलर। तीन इंपेलर सेंट्रिफ्यूगल पंप में ज़्यादातर यूज किया जाता है, तीनों के बारे में जानेंगे। आज मेरे पास दो इंपेलर है, एक अभी अवेलेबल नहीं है, बट तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो देख रहे हैं ये सेमी ओपन इंपेलर है, इस पे देखिए बहुत, ये क्लोज इंपेलर है। दो टाइप के मेरे पास अभी इंपेलर है, ये स्लीव है और ये बेयरिंग है। ये सारा इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सेमी ओपन इंपेलर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड में इसका वॉल बना हुआ रहता है और एक साइड ओपन रहता है, इसीलिए इसको सेमी ओपन इंपेलर बोला जाता है। और ये जो सारे ऊपर में देख रहे हैं ये वेंस बना हुआ है, एक साइड में देखिए इसका वॉल है, एक साइड में ओपन है, इसीलिए इसको सेमी ओपन इंपेलर बोला जाता है। और इसका जो सक्शन और डिस्चार्ज करता है, वैक्यूम करता है पानी को, ये सारे वेंस करता है। ये वेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, यही जो है घूमते हुए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को क्रिएट करता है और पानी को सक्शन करके एक जगह से दूसरे जगह में डिस्चार्ज करता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को क्रिएट करके। तो इस पे आप लोगों को क्या करना है, वेन को कभी भी चेक करते रहना है। जब भी आप पंप को डिसमेंटल करो तो वेन्स को चेक करना है कि कहीं वेन्स कोरोटेड तो नहीं हो गया है या घिस कर डैमेज वगैरह तो नहीं हो गया है। और इस तरह का जो इंपेलर है सेमी ओपन इंपेलर, इसको मीडियम साइज के पंप में यूज किया जाता है और इस पे जो सॉलिड लिक्विड रहता है दोस्तों उसी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट काम करता है इस तरह का इंपेलर। तो जहाँ पे सॉलिड लिक्विड है उस जगह पे या मीडियम साइज के पंप में आपको इस तरह का इंपेलर देखने को मिलेगा, साथ ही ओपन इंपेलर भी देखने को मिलेगा। आप लोगों को जिसका फ़ोटो दिख रहा है उसका जो वेंस रहता है वो ओपन रहता है दोस्तों, उस पर वाल बना हुआ नहीं रहता, जैसे इस पर वाल बना हुआ है, ओपन इंपेलर में वाल नहीं रहता है। सेमी ओपन में इसके देखिए ऊपर में वेंस देख रहे हैं और एक साइड में वाल लगा हुआ है, बट ओपन इंपेलर में ये वाला वाल नहीं रहता है। दोनों ही सॉलिड लिक्विड को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये आपको, ये वाला जो इंपेलर है ये आपको मीडियम पंप में देखने को मिल जाएगा और स्मॉल साइज का जो पंप रहेगा उस पर आप लोगों को ओपन इंपेलर देखने को मिलेगा जिसका वेंस वगैरह सारा ओपन रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये एक साइड से सक्शन करके एक साइड से डिस्चार्ज करता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्रिएट करके। ओपन इंपेलर में वैक वॉल नहीं रहता है, सेमी ओपन में एक साइड में वॉल है, एक साइड में वेंस है। अब हम लोग क्लोज्ड इंपेलर के बारे में जान लेते हैं। क्लोज्ड इंपेलर में क्या होता है दोस्तों, दोनों साइड में ही देखिए वॉल दिया हुआ है, फ्रंट में भी बैक में भी। और ये जो सक्शन करता है ना, ये आई से सक्शन करता है, इंपेलर का जो आई है वहाँ से सक्शन करेगा, इस जगह से सेंटर से यहाँ से वो सक्शन करेगा और ऊपर से डिस्चार्ज करेगा। मैं इसका अंदर का वेंस वगैरह दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए अंदर में बहुत सारे वेंस बने हुए इसका, तो यहाँ से ये सक्शन करेगा दोस्तों। ये इंपेलर का आई है क्लोज्ड इंपेलर का, इसको क्लोज्ड इंपेलर बोला जाता है। यहाँ से सक्शन करेगा और ऊपर से डिस्चार्ज करेगा यहाँ से। तो इस पर भी आप लोगों को, जब आप पुराने इंपेलर को पंप से डिसमेंटल करो तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इस जगह पे कोरोटेड हो जाता है वेंस वगैरह। अगर आप लोगों को कोरोटेड दिखे या घिसा हुआ दिखे तो आप लोगों को उस इंपेलर को चेंज कर देना है। इंपेलर को कभी भी अपने से ट्रिम करके छोटा नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो उसका जो फ्लो है वो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ से सक्शन करेगा वो लिक्विड को और यहाँ से डिस्चार्ज करेगा। इस तरह का जो क्लोज्ड इंपेलर है ये ज़्यादातर हेवी फ्लो जो होता है, हाई फ्लो के पंप में इस तरह का क्लोज्ड इंपेलर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े आप जो पंप देखेंगे इस पे आप लोगों को क्लोज्ड इंपेलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको ये सिंगल क्लोज्ड इंपेलर है, इसका डबल भी आता है, डबल टाइप का डबल क्लोज्ड इंपेलर जिसपे दो डिस्चार्ज बने हुए रहते हैं। और यहाँ पर इंपेलर रिंग, जिसको वेयर रिंग बोला जाता है दोस्तों, वेयर रिंग लगा हुआ रहता है, आपको वेयर रिंग को चेक करना है
वेयर रिंग का क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो फ्री हो जाता है इस जगह से, इम्पेलर से, तो क्या होगा, उस पंप का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा इस तरह के क्लोज इम्पेलर में आपको देखना है कि ऊपर से वो कोरोटेड ना हुआ हो। साथ ही इसके वेयर रिंग को आप लोगों को चेक करना है, बैक साइड भी आप लोगों को देखना है कि कहीं से वो इम्पेलर घिसा हुआ या कोरोटेड नहीं होना चाहिए। और इम्पेलर को कभी भी अपने से खुद से ट्रिम ना करें दोस्तों, उससे क्या होगा, उस पंप का फ्लो ड्रॉप कर जाएगा। ये सेमी ओपन इम्पेलर है, ये भी सेम काम करता है, यहाँ से सक्शन करके यहाँ से डिस्चार्ज करता है ऊपर से, बट ये स्मॉल में और ये बिग पंप में आप लोगों को इस तरह का क्लोज इम्पेलर देखने मिलेगा जो कि सेंटर से सक्शन करता है और ऊपर से डिस्चार्ज करता है दोस्तों। और यहाँ पे एक वेयर रिंग लगा हुआ रहता है जिसको इम्पेलर रिंग भी बोला जाता है, उसको चेक करते रहना चाहिए। वो अगर फ्री हो जाएगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और ओपन इम्पेलर और सेमी ओपन इम्पेलर में आपको वेंस को चेक करना है, वेंस का जो डायमेंशन है वो घिसना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका फ्लो ड्रॉप कर जाएगा दोस्तों। ये स्लीव है, ये भी पंप में इंस्टॉल किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं स्लीव का क्या काम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट क्या करता है, शाफ्ट में जाकर डाउल पिन में लॉक हो जाता है और ये शाफ्ट के साथ रेगुलर घूमना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से इम्पेलर के बैक साइड में शाफ्ट के ऊपर ये इंस्टॉल रहता है। और इसका काम क्या है, ये शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों डैमेज होने से शाफ्ट को बचाता है, क्योंकि ग्लैंड रोप वगैरह या मैकेनिकल सील इसी के ऊपर इंस्टॉल होता है। सोचिए अगर ग्लैंड रोप इसके ऊपर इंस्टॉल है और ग्लैंड रोप बहुत ज़ोर से ग्रिपिंग करके रखेगा, अगर ये डायरेक्ट शाफ्ट के ऊपर ग्लैंड रोप टाइट कर देता हम लोग, तो शाफ्ट बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। स्लीव के ऊपर रहने के कारण शाफ्ट के ऊपर कोई भी दागी वगैरह नहीं आता है, शाफ्ट डैमेज नहीं होता है। स्लीव के ऊपर आप लोगों को दागी दिखेगा, कट मार्क दिखेगा, अगर बहुत ज़्यादा डीपली कट हो जाए तब आपको स्लीव को रिप्लेस कर देना है, नहीं तो ग्लैंड से बहुत ज़्यादा लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और स्लीव का एक ही काम है, ये शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से बचाता है शाफ्ट को। अगर स्लीव नहीं रहेगा दोस्तों तो शाफ्ट बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। ये बेयरिंग है दोस्तों, बेयरिंग का क्या काम है पंप में, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये सिंगल जेड बेयरिंग है और बेयरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल इक्विपमेंट में किया जाता है, पंप में किया जाता है या किसी भी इक्विपमेंट में, उस इक्विपमेंट के फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसी बेयरिंग की वजह से इक्विपमेंट स्मूथली रन करता है। तो ये कुछ इक्विपमेंट थे पंप के, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर, क्लोज्ड इम्पेलर, स्लीव और बियरिंग। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।